सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक्निकल सानू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास करके जिसने जियो कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करते हो तो आप सभी लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे अपने माई जियो का ऐप के अंदर, ठीक है, जो जियो कंपनी का सिम कार्ड आप लोग ने यूज़ करते हो और जिसने स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो उस स्मार्टफोन के अंदर माई जियो के ऐप जरूर यूज़ करते होगे, और जिसने माई जियो का ऐप यूज़ करते हो तो आप लोगों का उस माई जियो के ऐप के साथ अपने जो जियो कंपनी का सिम कार्ड का जो नंबर है उस नंबर को ऑलरेडी बहुत से लोगों ने रजिस्टर करके रखा है और यूज़ करते हैं। और इस करने का कारण ये है कि आपने जो जियो कंपनी का सिम कार्ड है उस सिम कार्ड का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर का डाटा हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री एंड यहाँ पर जो आपका मैसेज वगैरह है या फिर जो रिचार्ज वगैरह है उसका डिटेल्स चेक करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात आप लोगों को पता नहीं है, जो कि आपने उस माई जियो के ऐप के अंदर दूसरा कोई भी जियो कंपनी का, मतलब जियो कंपनी का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भी एक साथ उस सेम ऐप के अंदर बहुत सारे जो मोबाइल नंबर है, जियो कंपनी का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भी लिंक करके रख सकते हैं। तो कैसे दूसरा मोबाइल नंबर को अपने उस माई जियो के ऐप के साथ लिंक करना है उसके तरीके मैं आप लोगों को आज की इस वीडियोस पर लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग का मन में अभी एक सवाल आ सकता है कि भाई, दूसरा जियो कंपनी का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को अपने मेरा जो माई जियो का ऐप है उस माई जियो के ऐप के साथ लिंक करने से फ़ायदा क्या होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो माई जियो का ऐप यूज़ करते हो तो वो अपने उस जियो कंपनी का मोबाइल नंबर का जो डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स एंड या फिर मैसेज वगैरह, डाटा वगैरह, इसका जितने सारे डिटेल्स है वो चेक करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे आपने कोई भी फ्रेंड का नंबर हो या फिर आपका रिश्तेदार या फिर कोई भी, ठीक है, कोई भी फ्रेंड वगैरह हो गया तो उसका जो कॉल डिटेल्स एंड या फिर मैसेज एंड या फिर जो डाटा हिस्ट्री, ये जितने सारे आपका डिटेल्स है वो चेक करना है तो वो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। सिर्फ उनका जो मोबाइल नंबर है, जियो कंपनी का जो नंबर है उस नंबर को अपने उस माई जियो के ऐप के साथ लिंक करना होगा, ठीक है। वन टाइम आप लोग लिंक करना होगा, उस बाद आपको बार बार लॉगिन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लॉगिन करोगे उस टाइम एक ओटीपी जाने वाला है उस मोबाइल नंबर के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे करना है आगे आप लोग सब कुछ पता चल जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर देंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स, चले वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनल आ चुका मैं मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर एंड आप भी सिंपली अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आ जाइए। एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले जो माई जियो का ऐप है, ठीक है, तो उस माई जियो का ऐप को सिंपली ओपन कर लीजिए, या फिर आपने उस माई जियो के ऐप को आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली प्ले स्टोर के अंदर जाके या फिर सिंपली सर्च कीजिए माई जियो, ठीक है। तो सिंपली माई जियो सर्च करने के बाद सबसे पहला जो है ऐप आ जाएगा, सिंपली उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर ऑलरेडी उस ऐप को इंस्टॉल करके रखा हूँ तो डायरेक्टली मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आप भी सिंपली इंस्टॉल करके उस ऐप को ओपन कर लीजिए एंड ओपन करने के बाद आपका खुद का जो भी मोबाइल नंबर है, प्राइमरी नंबर, उस प्राइमरी नंबर को सिंपली डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले से लॉगिन करके रखा हूँ। आप सिंपली अपने दूसरा कोई भी जो जियो कंपनी का नंबर है, ठीक है, तो दूसरा कोई भी जो जियो नंबर है उस जियो नंबर को लॉगिन करने के लिए एंड लिंक करने के लिए सिंपली आप लोगों को कनेक्ट होगा। सिंपली आपने जैसे उस ऐप को ओपन करोगे उस वक्त इस तरह का इंटरफेस अभी आप लोग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये है मेरा मोबाइल नंबर। उसे यहाँ पर साइट के अंदर आप लोग स्विच अकाउंट बोल के एक ऑप्शन देखने के मिलेगा। सिंपली स्विच अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली इस तरह कुछ इंटरफेस अभी आप लोग देखने मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी अकाउंट मेरा मोबाइल नंबर एंड सेकंड यहाँ पर देख सकते हो लिंक न्यू अकाउंट, ठीक है। तो सिंपली इस लिंक न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर आप लोग को एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने देख सकते हो सबसे ऊपर एक मेरा नंबर देखने के मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी एक बार लिंक किया था, ठीक है। अगर आपने पहले बार लिंक करा हो तो कोई भी यहाँ पर नंबर आप लोग देखने के नहीं मिलेगा, तो इसलिए न्यू नंबर लिंक करने के लिए यहाँ पर देखो आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने मिलेगा जो कि मोबाइल बोल के, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये मोबाइल वाला ऑप्शन, सिंपली उस ऑप्शन के ऊपर एक बार आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। उससे आपका जो यहाँ पर जियो कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं सिंपली उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं सिंपली उस मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ, ओके। तो मोबाइल नंबर को सिंपली डाल देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जेनरेट ओटीपी बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली उस वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद उसी नंबर के अंदर एक ओटीपी जाएगा। तो मेरा सिम कार्ड यहाँ पर उसी फोन के अंदर है तो इसलिए ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आपका जो नंबर यहाँ पर लिंक कर रहा है वो सिम का दूसरा कोई भी डिवाइस के अंदर है तो वो ओटीपी यहाँ पर आप लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मतलब लिंक हो चुका है, अभी ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो नंबर है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है, अभी यहाँ पर देख सकते हो अभी जो न्यू नंबर मैंने यहाँ पर डाल किया था जो कि लास्ट 36 वो नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड लिंक हो चुका है।
अब इसके पर सिंपली क्लिक करके उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हो मेरा ये जो जो नया नंबर अभी मैंने यहाँ पर लिंक किया वो नंबर का डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से तो बहुत आसानी से अपने कोई भी जो जियो कंपनी का नंबर है उस जियो मोबाइल नंबर को बहुत आसानी से अपने माई जियो के ऐप के साथ लिंक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल है सुझाव जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, चले आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।